अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं अब्दुल मान और मेरे साथ है अमाद सुबानी, आप देख रहे हैं व्यूज कॉर्नर। आज हम आपके लिए एक और वीडियो का रिएक्शन लेके आए जो कि मैं सजेस्ट किया है। सुमित कुमार ने और जो वीडियो उन्होंने सजेस्ट किया उसका नाम है ये जरा एजुकेशनल वीडियो है और इस पे है व्हाट इज जॉइंट वेंचर, हाउ डिफरेंट इज जॉइंट वेंचर फ्रॉम पार्टनरशिप। टोटली चेंज है, टोटली चेंज है, शायद इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव वीडियो इन्फॉर्मेशन होने है, वाली है तो ये। देखते हैं कैसी वीडियो है। लेकिन वीडियो पे चलने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन इजीली मिल मिल सके, सके। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं और ये वीडियो को देखते हैं। इन्फॉर्मेटिव वीडियो ये होने वाली है। लेट्स सी लेट्स सी व्हाट इज जॉइंट वेंचर, सजेशन है तो लेट्स सी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर जॉइंट वेंचर के बारे में। जॉइंट वेंचर क्या होता है और हम लोग ये भी देखने वाले हैं कि जॉइंट वेंचर और पार्टनरशिप में बिल्कुल क्या डिफरेंस होता है। इससे पहले हमने इस सीरीज में जिन वीडियो पर डिस्कस किया है वो है पार्टनरशिप, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या होती है और किस तरीके से आप इनकॉर्पोरेट करा सकते हैं अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को। स्टेप बाय स्टेप हम लोगों ने वो भी डिस्कस किया है। इससे आगे बढ़ते हुए आज हम लोग देखने वाले हैं कि जॉइंट वेंचर क्या होता है। तो ये बड़ा ही सिंपल टॉपिक है जॉइंट वेंचर का, खामखा लोग इसको डिफिकल्ट समझते हैं, एजुकेशनल है तो मेरे चलिए हम लोग अब किसी देखते हैं कि जॉइंट एजुकेशन वेंचर का होता क्या है। टॉपिक जब कोई दो लोग अलग अलग यानी कि सेपरेट काम कर रहे हैं अपना अपना, वो लोग जब साथ में आते हैं और काम करते हैं प्रॉफिट बनाने के लिए और फिर दोबारा अपना अपना काम करने लग जाते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जॉइंट वेंचर बोलते हैं। वेंचर का मतलब यहाँ पर होता है काम, यानी कि कोई दो अलग अलग लोग जो अपना अपना काम कर रहे थे वो एक काम करने के लिए साथ में आके उसको मिलके उस काम को करते हैं, तो उसको हम लोग यहाँ पर जॉइंट वेंचर बोलते हैं। इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि मान लो कि एक अमित रोड लाइन्स करके एक सोल प्रोप्राइटर है, एक फर्म है, और एक है रवि रियल एस्टेट लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। इनका अपना प्रोप्राइटरी का काम है और अमित रोड लाइन्स का अपना ट्रक्स का बिजनेस है। तो अब होता क्या है दोस्तों, दोनों एक शाम में साथ में बैठे हुए थे, बिजनेस की बातें कर रहे थे, और इस तरीके की बातें अक्सर जो बिजनेसमैन होते हैं वो करते रहते हैं कि यार मार्केट ठंडा पड़ा है, मार्केट में मज़ा नहीं है, धंधे में मज़ा नहीं आ रहा है, प्रॉफिट कम हो रहा है, तो हमेशा इस तरीके की बातें करते रहते हैं। पर उस दिन उन लोगों ने डिसाइड किया कि यार कुछ नया करते हैं, कुछ यूनिक काम करते हैं, कुछ और मिलके कुछ काम करते हैं, कोशिश करते हैं। तो उन लोगों ने डिसाइड ये किया कि काम करते हैं हम लोग, कुछ फ्लैट्स या मकान बना के बेचते हैं, कुछ 25-50 फ्लैट बनाते हैं, उसको बनाते हैं, उसके बाद उसको सेल करते हैं और जो प्रॉफिट होगा उसको आधा आधा शेयर कर लेंगे, उसके बाद आप अपने घर में अपने घर। तो इस तरीके के बिजनेस को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं जॉइंट वेंचर, यानी कि वो अपना अपना काम तो कर ही रहते हैं, एक प्रोजेक्ट के लिए वो साथ में आए इन्वेस्टमेंट दोनों की जो तरफ इन से होगी, दोनों टेम्पररी तरफ से। एक या दो प्रोजेक्ट के लिए सामने आए। वो हो सकता है कि कुछ दिन का हो, कुछ महीने का हो, या किस सीजन का हो, या हो सकता है कि 1 साल या 2 साल भी चले। तो किसी एक प्रोजेक्ट को करने के लिए वो साथ में आए उसी को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं जॉइंट वेंचर। अब आपको ये लग रहा होगा यार ये चीज़ क्या है, ये तो नहीं पार्टनरशिप में भी होता पार्टनरशिप है, हो रहा है। तो इसमें और पार्टनरशिप में डिफरेंस क्या है। अच्छा इसीलिए हम लोगों ने शुरू में बात की थी कि हम लोग ये भी देखेंगे कि पार्टनरशिप में और जॉइंट वेंचर के अंदर डिफरेंस होता क्या है फ्रेंड्स, क्योंकि यही तो काम पार्टनरशिप के अंदर भी होता है। वहाँ पर भी डिफरेंट डिफरेंट मेंबर्स होते हैं, पार्टनर्स होते हैं, वो साथ में आते हैं और कंटिन्यूसली वो काम करते रहते हैं। तो इस तरीके से जॉइंट वेंचर के अंदर भी हो रहा है, बट यहाँ पर समझने वाली बात ये है फ्रेंड्स कि एक टेम्प्ररी काम होता है, मतलब पार्टनरशिप तक फिक्स हो तो जाएगा। इसको हम लोग क्या करते हैं, एक डिफरेंस की तरह समझने की कोशिश करते तो हैं और ये फिर एक बार प्रोजेक्ट बाय वापस इस प्रोजेक्ट डेफिनेशन चलेगा, को प्रोजेक्ट पढ़ेंगे की और उसके तब बाद हमको खत ज़्यादा वास। क्लियर हो जाएगा ये। देखिए अगर हम लोग बात करें डिफरेंस बिटवीन जॉइंट वेंचर और पार्टनरशिप के बारे में, तो देखिए पार्टनरशिप में जो मेंबर्स होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं पार्टनर, और जॉइंट वेंचर के अंदर जो मेंबर्स वेंचर्स होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं वेंचरर्स। अब पार्टनरशिप का जो काम होता है ना वो फ्रेंड लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होता है। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट मतलब ऐसा होता है कि वो कंटिन्यूसली प्रोजेक्ट्स के बाद प्रोजेक्ट्स के बाद प्रोजेक्ट्स करते जाते हैं, परपेचुअल सक्सेशन ऑफ बिजनेस होता है वहाँ पर। यानी कि वहाँ पर ऐसा नहीं होता है कि प्रोजेक्ट खत्म हो गया तो पार्टनरशिप खत्म हो गई, अकाउंटेबिलिटी खत्म हो गई, वहाँ पर कंटिन्यूसली बिजनेस रन करता जाता है। बट यहाँ पर क्या होता है जॉइंट वेंचर के लिए, वो एक या दो प्रोजेक्ट्स के लिए यहाँ पर मिलते हैं, उस पर काम करते हैं, उसका प्रॉफिट बनाते हैं और फिर कोई अगली डील के लिए बात करते हैं। तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और पार्टनरशिप जो होता है वो पार्टनरशिप एक्ट के थ्रू गवर्न होता है। जो पार्टनरशिप एक्ट आया था 1932 उसके अकॉर्डिंग पार्टनरशिप के बायलॉज लिखे हुए हैं, बट वेन वी टॉक अबाउट जॉइंट वेंचर नो सच एक्ट गवर्न हियर। पार्टनरशिप में क्या होता है, जो बिजनेस है उसका वो परपेचुअल सक्सेशन पे काम करता है, मतलब लीगल वर्क बिजनेस पूरा होता है। रुकेगा नहीं, बिजनेस कंटिन्यूसली चलता जाता है। बट जॉइंट वेंचर की बात करें तो वो एक या दो प्रोजेक्ट्स के लिए है, तो नो सच एजम्पशन हियर कि परपेचुअल सक्सेशन का तो कोई एजम्पशन होगा ही नहीं यहाँ पर, क्योंकि वो एक प्रोजेक्ट के लिए काम करें, दो प्रोजेक्ट के लिए काम करें, तो वो उस पर्टिकुलर पीरियड की बात होगी। और डिफरेंस की अगर हम लोग यहाँ बात करें तो यहाँ पर प्रॉपर अकाउंटिंग होती है पार्टनरशिप के केस में, बट वेन वी टॉक अबाउट जॉइंट वेंचर वहाँ पर लिमिटेड अकाउंट्स होते हैं। तो काफ़ी डिफरेंस है जॉइंट वेंचर और पार्टनरशिप के बीच में भी।
सो आई होप फ्रेंड आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय। तो ये चीज़ें मैंने पढ़ी थी एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर अपने थर्ड सेमेस्टर के अंदर, तो मुझे ऐसा पता लग रहा था कि ये है ना कि वही जॉइंट वेंचर पार्टनरशिप्स में है। अक्सर लोग ये समझते हैं कि यार ये एक ही चीज़ें हैं क्योंकि मिलके चलना होता है जैसे इन्होंने बताया, लेकिन उनको ये नहीं पता कि पार्टनरशिप के अंदर आप एक किस्म का आप बाउंड हो जाते हैं एक दूसरे के। जॉइंट वेंचर्स ये हैं कि आपने मिलकर कोई एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर दिया, जैसे वो प्रोजेक्ट एंड हुआ आप साइड पे हो गए, फिर को अगर आपका इरादा बना तो फिर आप इकट्ठे हो गए। अब पार्टनरशिप के अंदर ये होगा कि आप दोनों की इन्वेस्टमेंट जॉइंट वेंचर की तरह होगी, लेकिन आप दोनों एक दूसरे के बाउंड हो गए, लीगल आपका पूरा एक पैटर्न डिसाइड होगा स्टाम्प पेपर वगैरह पे, आपका एक पूरा जैसे उन्होंने एक्ट बताया वैसे उस एक्ट के रूल्स टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो करके आपको उसको लेके चलना पड़ेगा, और वो लॉन्ग टर्म होगा आपका, जब तक वो प्रोजेक्ट चलता है आप बाउंड हो जाते हैं उसके अंदर। जॉइंट वेंचर के ना बाउंड नहीं होते, आपका अपना बिजनेस भी चलता रहता है और वो भी सारा आपका होता रहता है, दूसरा काम भी चलता रहता है, आपने नया प्रोजेक्ट शुरू कर दिया। अब एक वेंचर की मैं आपको एग्जांपल दूँ, पाकिस्तान की दो टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज थी जैस और वारिद, सेपरेट थी ये, ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने वो किया मर्ज कर दिया इन्होंने एक दूसरे को, ये एज अ पार्टनरशिप उन्होंने कर दिया। अगर तो करते उनको अलहदा चलता एक नया नेटवर्क इंट्रोड्यूस कराते तो फिर ये हो जाता जॉइंट वेंचर के अंदर हो जाता, लेकिन उन्होंने मर्ज कर दिया, मर्ज करके उन्होंने टेलीनॉर और नहीं नहीं किसी का हुआ नहीं था ये जोंग जो लॉन्च हुआ था किसी दो कंपनियों का मिलाप में हुआ था, ये कोई कंपनी बंद हुई थी मेरे ख्याल में, जोंग और पाकटेल था, पाकटेल था मेरे बिल्कुल जोंग और पाकटेल था। तो उसका ये एक जबरदस्त एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन थी इस चीज़ के बारे में, लोग कन्फ्यूज होते हैं कि यार ये तो वैसे ये सारा टर्म्स एंड कंडीशन है ये वही सारी चीज़ें, नहीं पार्टनरशिप के अंदर अगर आपका कोई कोई आपकी पार्टनरशिप के साथ कोई आपकी बिजनेस चल रहा है तो उस पर आप दोनों के जो सीईओज होंगे उनको साइन होने लाजमी है, जॉइंट वेंचर के अंदर ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि आपका जो अकाउंट जो होगा वो कंपनी का होगा, कंपनी के ओनर दो हैं फॉर एग्जांपल, अगर दो ओनर ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा पे जाएगा वो, तो इसके अंदर ऐसा नहीं है, आप एक आते हो अपना बिजनेस चला ही रखते हो, दूसरा एक पार्ट टाइम बिजनेस आप इसे कह लें कि नया इन्वेस्टमेंट डाल के यार चलो एक नया बिजनेस रन करते हैं कि वो ज़रा मार्केट डाउन जा रही है तो इस चीज़ पर हम चल के वो कर लेते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर एक दो बंदे हैं जिन्होंने एक जो क्या कहते हैं परचून की दुकान बनी है, मिसाल के तौर पर एक लोकल एग्जांपल ले लेते हैं, वो परचून की दुकान एक ऐसा बिजनेस है जो लॉन्ग टर्म है जो चलता रहता है बिल्कुल, और अगर कंस्ट्रक्शन की बात करें वो भी लॉन्ग टर्म, तो कंस्ट्रक्शन लॉन्ग टर्म नहीं है, लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्शन से मुराद जो फ्लैट वगैरह बना के घर बना के बेचना, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, तो ये एक शॉर्ट टर्म है कि आपने जमीन ली आपने मकान बनाया उसको बेच दिया तो जो प्रॉफिट हुआ एक बंदे में ले लिया और दूसरे बंदे ने ले लिया, तो ये चीज इसमें एक्सप्लेन की गई आई थिंक, सो अगर मैं सही नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, यही चीज डिस्क्राइब की गई बेसिकली। इस वीडियो का मकसद ये था कि लोगों को जो कंसेप्ट था पार्टनरशिप और जॉइंट वेंचर एक ही चीज़ है, जैसे वो धमाल मूवी थी ना वो कहते हैं एक ही यूनिट है ये, वो पैसे देते वक्त अलहदा ज़्यादा यूनिट हो जाते हैं, पैसे लेते वक्त अलहदा अलहदा यूनिट होते हैं, देते वक्त एक ही यूनिट हो जाते हैं, तो ये वो वैसा सिस्टम है कि नहीं कि जॉइंट वेंचर इसमें डिफरेंस है, इसको समझे आप अच्छी तरह क्योंकि एंटरप्रेन्योर के अंदर ये काफ़ी यूज़ होता है इस चीज़ के बारे में, और आजकल जैसे टाइम चल रहा है कोई बंदा पार्ट मोस्टली जो लोग हैं ना वो एंटरप्रेन्योरशिप की ही तरफ जा रहे हैं, अपना बिजनेस हो और उसके साथ साथ फिर इस तरह की दूसरे के मौके ढूंढते हैं ऐसे, बिल्कुल। तो इस चीज के बारे में अगर आपको अच्छी तरह इन्फॉर्मेशन होगी तो आप अच्छी तरह इस इसमें आगे जा सकते हैं। तो एक इन्फॉर्मेशन वीडियो थी और जो हम जिस पे रिएक्ट करते आ रहे हैं अब तक उन टॉपिक से हटके थी बिल्कुल, बट इन्फॉर्मेटिव थी, तो होपफुली आप जो इन्फॉर्मेशन है तो आपको लाइफ में कहीं ना कहीं जाके काम जरूर आएगी बिल्कुल। तो वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें बिल्कुल, और इस चीज़ को अपने उन दोस्तों को भी बताइएगा जिनको इस चीज़ के बारे में नहीं पता, ताकि वो आज की मार्केट के हिसाब से आज की जो पूरे ग्लोबल सिस्टम जो है उसके हिसाब से एडजस्ट होकर वो इस चीज़ को अडॉप्ट कर सके, नहीं तो हमारे यहाँ अक्सर ऐसा यही होता है कि जो चीज़ पहले से चलती आती है ना वही लेके चलते रहते हैं, एक नई चीज़ को अडॉप्ट करने में बड़ी रेजिस्टेंस होती है और वो वाकई होती है बड़ी शदीद रेजिस्टेंस होती है, तो इस कॉन्सेप्ट को अगर दूर करके आप जॉइंट वेंचर की तरफ आएँ, अब अपना बिजनेस चलाएं, प्रॉफिट अर्न करें, मेन बिजनेस का मकसद यही होता है प्रॉफिट अर्न करना जैसे भी आप करें, बाय हुक्स और बाय क्रुक्स, तो उसके अंदर ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी। तो आप हमें ट्विटर इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, हमारा फेसबुक पेज है व्यूज़ कॉर्नर का नाम से, उसको लाजमी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कीप सजेस्टिंग। अब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।